नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश पुरोहित। आप देख रहे हैं सुरेश राज पुरोहित ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भीनमाल को जिला बनाने के अब संकेत मिल रहे हैं। क्या ये किस तरह के संकेत हैं, वो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे तीन वीडियो के क्लिप दिखा रहे हैं। उन तीन वीडियो में से हम सारांश निकालेंगे कि इनके हिसाब से देखें तो क्या भीनमाल जिला बन पाएगा या नहीं बनेगा। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो प्रारंभ करते हैं। आपको पता ही है, आपने काफ़ी सारे वीडियो भी देखे होंगे कि भीनमाल विधायक पूरा राम जी चौधरी 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा जयपुर में पहुंचे थे अपने भीनमाल को जिला बनाने की बात को रखने के लिए। तो वहां पर उन्होंने जब पहले प्रश्नकाल में उनसे किस तरह का व्यवहार हुआ, क्या उन्होंने बात करने की अनुमति दी या नहीं दी, वो इस क्लिप में आप देखिए। इसके बाद में हम आपको दूसरा क्लिप दिखाएंगे, उसका भी हम आपको सारांश बताएंगे कि दूसरे क्लिप में दूसरी बार जब उन्हें मौका मिला तब क्या बात हुई। चलिए पहला क्लिप आप देखिए। प्रश्नकाल समाप्त हुआ, मुझे माननीय सदस्यों को माननीय बेटा प्लीज आई विल नॉट अलाउ, मैं खड़ा हूँ, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, मिस्टर राठौर, मिस्टर आई विल नेम यू, आई विल नेम यू, मिस्टर बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, आई विल नेम यू, अभी माननीय माननीय राठौर साहब, माननीय मिस्टर राठौर, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट, माननीय सदस्य नीचे बैठे आप प्लीज, नीचे बैठे आप, आपको नहीं समझ में आए बाहर जाए, आप ही की समस्या है। सदन में आए हैं तो सदन के नियम का पालन करें, नहीं पालन करना है बाहर जाके जो करना जो करिए। सदन में नियम का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपको बाहर निकालूंगा, जाइए फिर, निकालने की जरूरत है, उठ जाइए, निकालने का काम क्यों कष्ट कर रहे हैं, मुझे आपको चल जाइए। सदन में आप जीत के आए हैं, सदन के सदस्य हैं, सदन में एक बात को कैसे रखना इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर सदन की अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते। आप सदन में जीत के नहीं आते, बात सड़क पर सब काम कर सकते हैं, सदन में तो नियम और कानून के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन नियम कानून के अंतर्गत अपनी बात को रखें। नियम का पालन नहीं करेंगे तो मुझे अनप्रेजेंट काम करना पड़ेगा। मैं सदस्य फिर सुन नहीं रहे, बैठे बैठे बोल रहे हैं आप, मैं सुन नहीं रहे आप ट्रेनिंग ले गए पूरा। इस वीडियो को देखकर आपको पता चला होगा कि पूरा राम जी को वहां पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि आप पहले से तैयारी करके ही आए हैं, यानी कि सर पर काला कफन बांध कर आए हैं, तो उन्हें पता था कि ये कुछ जिलों के विषय में ही बात करने चाहते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर अनुमति नहीं दी गई। तो पहले क्लिप से, पहले इस वीडियो से तो ये पता चलता है कि भीनमाल को जिला बनना काफ़ी मुश्किल है। अब आप ये दूसरा क्लिप देखिए, इसके बाद में हम आपको इसका सारांश भी बताएंगे। रखा गया कि भीनमाल परंपरा से आज भी भीनमाल महाकवि माघ की नगरी से ब्रह्मगुप्त के नाम से जाना जाता है। भीनमाल की जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है, भीनमाल के अंदर जैन समाज का पूरा विश्व का बहुत बड़ा मंदिर है, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया और बेवजह। हमारी मांग है, पूरी जनता जनता जनार्दन रोड पे खड़ी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि भीनमाल भीनमाल को जिला बनाया जाए। यदि भीनमाल जिला नहीं बना तो कम से कम को सासौर में मत भेजे मेहरबानी करके, क्योंकि वह बीस में सारे इसमें करके लोग हैं, और यदि भीनमाल मोटरसाइकिल लेके गए ना तो आपको मोटरसाइकिल वापस नहीं मिलेंगी, आपको आरसी लेके आना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि कोई जनहानि हुई या सरकारी किसी को नुकसान हुआ संपत्ति का, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सरकार जवाबदार होगी। माननीय सभापति महोदय आपसे हाँ बिराजी बिराजी माननीय बिराजी आप अंकित नहीं हो रहा बिराजी आप इसलिए बोल लेंगे आपको बिराजी 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 माननीय माननीय राजेंद्र जी माननीय उपनेता महोदय माननीय उपनेता महोदय अरे बैठो प्लीज बिराजी आप मुझे मार्शल बनाना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ माननीय सदस्य बिराजी आप बिराजी हाँ पधारिए पधारिए पधारिए। इस वीडियो में भीनमाल विधायक स्वयं ही कहते हुए पाए गए हैं
कि भीनमाल को जिला बनाया जाए। यदि भीनमाल को जिला न बनाया जाए तो आप हमें सांचौर में शामिल न करें। तो दो ऑप्शन उनके सामने रख दिए। तो सरकार तो यही चाहेगी कि पहला ऑप्शन न मानकर, जिला न बनाकर उन्हें सांचौर में शामिल न करें, तो दूसरा ऑप्शन ही सेलेक्ट करेगी। तो इस क्लिप से भी हमें सारांश देखने को ये मिलता है कि भीनमाल जिला नहीं बन पाएगा, कि सरकार चाहेगी कि उसका विभाजन किस तरह से होगा वो आगे का विषय है, लेकिन इस क्लिप से ही हमें यही पता चलता है कि भीनमाल जिला न बन सकेगा। अब तीसरा वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, जब पूरा राम जी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, तब उनसे क्या बातें हुई वो भी आप इस वीडियो में सुनिए। जिला ले के मिलाते हो ना, पहले तो जिला बनाओ, नंबर वन हम आपका समर्थन करेंगे पूरा भीनमाल। पहले ही जिला मिलो, आपने सारे काम किए, कम से कम हमारा जो भीनमाल जिला है 700 रुपये मेहरबानी करके मत देना, ये मेहरबानी कर देना, ये आपका एहसान रहेगा हमारी। सर हमारी भी मांग है, भीनमाल से आए हैं, बड़ा है, 20 का बना दे सर, 20 का कितना आपको कम से कम मेहरबानी इतनी करना। जब विधायक पूरा राम जी अशोक गहलोत जी से मिलने के लिए गए, तब उन्होंने वहाँ पर भी यही दो बातें रखी कि भीनमाल को जिला बनाया जाए तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो अशोक गहलोत जी ने भी यहाँ पर उसका कुछ मजाक में हंसे, और उसके बाद में फिर उन्होंने दोबारा कहा कि यदि भीनमाल को जिला न बनाया जाता है तो आप हमें सांचौर में शामिल न करें, ये आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने पूरा राम जी का पीठ थपथपाया, तो इससे ये संकेत मिलता है कि वो सांचौर में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जिला नहीं बनाएंगे, सांचौर में शामिल न करेंगे। तो इस जो दूसरा पॉइंट है उस पर ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा, यानी कि सांचौर में शामिल न किया जाए। तो इन तीनों वीडियो से हमें अब तक तो ये पता चल रहा है कि भीनमाल का ज़िला बनना काफ़ी मुश्किल है, ये न बन पाएगा। अब आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने जानने की कोशिश की जो हमें संकेत मिल रहे हैं उसके माध्यम से क्या भीनमाल जो जालौर ज़िले का एक क्षेत्र है, जो ज़िला बनने का एक हकदार हैं, जो सबसे ज़्यादा मापदंड रखता है, तो उन्हें ज़िला नहीं बनाया गया है, तो इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ में बने रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।